चना चाट तो बहुत खाया होगा आपने, लेकिन कभी तूरी का चाट खाया है आपने? तो चलो इसकी रेसिपी दिखाते हैं। कृष्ण स्नेहा किचन हिंदी में मैं स्नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तूरी का चाट बनाने के लिए 5-6 घंटे तूरी को भिगो कर रखा था। उसे साफ पानी से धोकर कुकर में 4 सीटी लगाकर उसे पका कर लिया है। तूरी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं। गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाते हैं, उसमें 1 चम्मच तेल डाल देते हैं। ज़्यादा तेल डालने की भी ज़रूरत नहीं। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग डाल देते हैं। जीरा अच्छे से चटकने के बाद इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप भी कर सकते हो। लहसुन को थोड़ा भून लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं कटी हुई 3 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को भी थोड़ा भून लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं सूखे मसाले। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। तीखा आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। 1 चम्मच धना पाउडर डाल देते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। सारे मसालों को तेल के ऊपर भून लेते हैं। मसाले भूनने के बाद इसमें डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हमने 1/2 चम्मच काला नमक डाला है, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, 1/2 चम्मच चाट मसाला डाल देते हैं। इसे मसालों में अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं पकी हुई तूरी। मसाले में पकी हुई तूरी को अच्छे से मिलाते हैं और 2 मिनट मसालों के साथ तूरी को भून लेते हैं। 2 मिनट के बाद गैस बंद कर देते हैं। तूरी को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ टमाटर। 1/2 नींबू का रस इसमें डाल देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हैं। खाने के लिए तैयार है हमारा तूरी का चाट। अब हम इसे एक डिश में सर्व कर लेते हैं। आप इसी तरीके से एक बार तूरी का चाट बनाकर ज़रूर देखना, ये बहुत स्वादिष्ट बनता है। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना भी भूलना मत। हम फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।